तो आज मैं आप लोगों के लिए रोंग टर्न पार्ट 4 लेके आया हूँ। ये मूवी काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ही दिखाया गया है कि इन म्यूटेंट की शुरुआत कैसे हुई थी। अगर आप पहले के पार्ट नहीं देखे हो तो उन वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। शुरुआत में हमें वेस्ट वर्जीनिया के एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जो कि डिफॉर्म लोगों के लिए स्पेशली बनाया गया था। वहाँ पर हम डॉक्टर ब्रैंडन को देखते हैं जो कि डॉक्टर एन को वहाँ के पेशेंट दिखा रहे थे, और तभी एक पेशेंट डॉक्टर एन की बाल पकड़ के अपने सेल की तरफ खींचने लगता है और डॉक्टर ब्रैंडन देखकर उसे सही समय पर बचा लेता है। लेकिन वो पेशेंट डॉक्टर एन की बालों से एक हेयर बैंड निकल लिया था। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर ब्रैंडन एन को लेकर वहाँ पर रहे सबसे खतरनाक पेशेंट को दिखाने के लिए ले जाता है। वहाँ पर हम तीन डिफॉर्म लोगों को देखते है और वो तीनों भाई थे जिनका नाम की वन आई, सॉटूथ और थ्री फिंगर था। यहाँ पर थ्री फिंगर का नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि उसने अपने दोनों उंगलियों को हाफ खा लिया था। अब डॉक्टर एन पूछती है कि क्या इन्हें दर्द होता है, जिसके जवाब में डॉक्टर ब्रैंडन बताता है कि इन्हें नेस्टल एनेस्थेसिया है और इस वजह से इन्हें दर्द का एहसास नहीं होता है। फिर कुछ देर बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर हम उस पेशेंट को देखते हैं जो कि डॉक्टर एन की हेयर पिन से उस सेल की दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पर वो तीन खतरनाक पेशेंट उससे वो पिन मांगता है और ये पेशेंट उन तीनों को हेयर पिन दे देता है। इसके बाद वो तीन भाई अपने पिंजरे खुलकर बाहर आ जाते हैं और सभी को आजाद कर देता है। अब इन सब के दौरान बाहर बैठे सिक्योरिटी को कुछ महसूस होता है और वो चेक करने के लिए बाहर है और तभी वो तीनों भाई उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर सॉटूथ उसका गला काट के उसका मास्क बाहर निकाल लेता है और थ्री फिंगर उसका आंख निकाल के खा लेता है। फिर इसके बाद हम उस हॉस्पिटल में एक भयानक सीन देख पाते हैं जहाँ पर सभी पेशेंट एक दूसरे को मार रहे थे। यहाँ पर तीनों भाई डॉक्टर एन को एक बेड में बांध देता है और हाई वोल्टेज शॉक तब तक देता है जब तक कि वो मर नहीं जाता। फिर उसे मारने के बाद डॉक्टर ब्रैंडन को पकड़ लेता है। डॉक्टर ब्रैंडन को एक चेन से बांध के उसके हाथ और पांव एक मशीन से उखाड़ देता है और सीन यहाँ पर ही कट है। फिर 29 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ कॉलेज स्टूडेंट को दिखाया जाता है। इनमें विंसिन और जेना एक कपल थे और सेरा और केनिया लेस्बियन थे। ये सभी स्नोफॉल एंजॉय करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में आए थे। दिन में वो सभी बहुत ही एंजॉय करते हैं, लेकिन शाम होते होते वहाँ पर स्नोफॉल की तूफान आ जाती है और शेल्टर लेने के लिए वो लोग पासी के एक सेनेटोरियम में चले जाते हैं। और ये वही डिफॉर्म लोगों की जगह थी जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वहाँ पर जाने के बाद वो सभी उस जगह को एक्सप्लोर करने लगते है, जिसके बाद उन्हें ये लगता है कि यहाँ पर रात बिताना सेफ है। फिर आग जला के वहाँ पर सभी बातें करने लगते हैं और उनमें से जेना, केना और विंसिन जनरेटर ऑन करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर विंसिन उन दोनों के साथ में एक प्रैंक करता है जिस वजह से वो दोनों लड़कियाँ काफी ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ पर ही हम उनके पीछे एक म्यूटेंट्स को देख पाते हैं। फिर ढूंढते हुए उन्हें जनरेटर रूम मिल जाता है और विंसिन उसे ऑन कर देता है। फिर अब लाइट आ जाने के बाद वो सभी पार्टी करने लगते है और एक्सप्लोर करते करते उन्हें कुछ न्यूज पेपर की कटिंग्स मिलती है। यहाँ पर वो लोग समझ जाते है कि ये हॉस्पिटल डिफॉर्म लोगों के लिए बनाया गया था। इधर हम उन तीनों भाइयों को देखते है जो कि किसी की डेड बॉडी को लेकर अंदर जा रहे थे। फिर यहाँ पर हम उन सभी फ्रेंड को एक प्रोजेक्टर रूम में देखते हैं। वहाँ पर रखी हुई एक डीवीडी को डेनियल ऑन कर देता है। इस डीवीडी में उन पेशेंट की टॉर्चर किए गए वीडियो को कैप्चर किया गया था। इसे देखकर लॉरेन बताता है कि ये कैनिवल बहुत ही खतरनाक होता है और इंसानों को खतरनाक तरीके से शिकार करके उन्हें खा लेता है। लेकिन यहाँ पर उसके बातों पर कोई यकीन नहीं करता है और वो सभी रात गुजारने के लिए अपने अपने रूम में चले जाते हैं। विंसिन को यहाँ पर नींद नहीं आता है तो इसलिए वो बाहर टहलने के लिए है, जहाँ पर वो अपने सामने वॉटर को मरा हुआ पाता है। यहाँ पर वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक म्यूटेंट एक रॉड को उसके सर के आर पार करके उसे मार डालता है। फिर अगली सुबह हम उन सबको देख पाते हैं जहाँ पर जीना विंसिन को ढूंढ रही थी। यहाँ पर किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था, जिसके बाद वो नोटिस करते है कि उनका सामान भी अब गायब हो चुका है और इससे उन्हें लगता है कि विंसिन उनके साथ कुछ मजाक कर रहा है। फिर अलग अलग सभी विंसिन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते है। यहाँ पर कुछ लोग बेसमेंट की तरफ जाता है जहाँ पर उन्हें कुछ शार्प दिखाई देता है जिससे कि वो लोग सोच में पड़ गए थे। अब ढूंढते हुए उन्हें एक शीशे में ब्लड लगा हुआ दिखाई देता है जिससे कि वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी तरफ हम जेना को देखते हैं जो कि एक किचन में पहुंच गई थी। वहीं पर ही वो सॉटूथ को देखता है जो कि बॉटल की बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर रहा था। इसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और इतने में ही वहाँ पर थ्री फिंगर आता है और सॉटूथ से अपने लैंग्वेज में कुछ बातें करता है। जीना यहाँ पर मौका पाकर भाग जाती है
और अपने दोस्तों को जाके बताती है। लेकिन अचानक वहाँ पर एक जैकेट आके गिरता है, जिसे देखकर किना उन सबको बताती है कि ये जैकेट बॉटर की है, जिसके बाद वह उसे खोलने के लिए आगे बढ़ती है और उसमें से उन्हें बॉटर की कटा हुआ सर मिलता है। इसे देखकर सभी वहाँ पर चिल्लाने लगता है और तभी ऊपर में से तीनों भाई क्लेयर को अपनी चेन में फंसा लेता है, जिसे देखकर कायली वहाँ पर जाता है, पर फिर भी वो क्लेयर की जान नहीं बचा पाती है और उसके ब्लड से कायली का पेस पूरा बढ़ जाता है और ज्यादा दबाव की वजह से क्लेयर का सर धर से अलग होकर जमीन में गिर जाता है। फिर सभी फ्रेंड्स अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। बाहर बहुत ही ठंड था और उनके कपड़े अब गायब थे। यहाँ पर लॉरेन बताता है कि वो अकेला हेल्प लेने के लिए आगे जाएगा, लेकिन सभी अपने जान बचाने के लिए दोबारा उस हॉस्पिटल में जाके खुद को एक रूम में बंद कर लेता है। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्होंने बेसमेंट में कुछ हथियार देखा था, जिसे कि वो लेके आएंगे अपने सेफ्टी के लिए, और उसे लेने के लिए सेरा डेनियल और कायली जाता है और वहाँ पर ही उनके पीछे रास्ते में थ्री फिंगर पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर वो तीनों उससे बच जाता है और बेसमेंट में रखे हुए हथियार को लेके वो तीनों जाने लगते है। इधर दूसरी तरफ हम उन सभी लड़कियों को देखते है, जहाँ पर कोई आके डोर पर नॉक करने लगता है। अब यहाँ पर उनको लगता है कि ये उनका ही कोई फ्रेंड है, लेकिन तभी अचानक वन आई एक चेनसॉ से अटैक करके एक लड़की को पकड़ लेता है और दूसरी लड़की यहाँ पर एक चाकू लेकर उसके हाथों में मार के उस लड़की को छुड़ा लेता है। फिर वन आई वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर कायली और सेरा कुछ टाइम बाद वहाँ पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाके वो नोटिस करता है कि उनके साथ डेनियल नहीं आया है। दरअसल आने के समय उसे सौतुक पकड़ लेता है और हम उन तीनों भाइयों को डेनियल के साथ बहुत ही बुरा टॉर्चर करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो लोग उसके बॉडी पार्ट को धीरे धीरे काट के तेल में फ्राई करके खा रहा था। फिर डेनियल की चीख सुन के वो सभी उसका हेल्प करने के लिए सोचता है, जिसके बाद वो लोग उन तीनों भाइयों पर एक ट्रैप बनाते हुए अटैक करता है और उसमें वो कामयाब भी होते हैं, जिसके बाद वो सभी उन तीनों भाइयों को एक सेल में लॉक कर देता है, जहाँ पर कायली उन सभी को मारने के लिए उनके ऊपर ऑयल गिराता है। लेकिन किना यहाँ पर उसे ऐसा करने से रोक देती है, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि ये लोग दरिंदे हैं, जो कि लोगों का शिकार करके खाते हैं। लेकिन हम इंसान हैं और इस तरह किसी को जला के मारना ये अच्छी बात नहीं है, पर यहाँ पर सभी किना की विरोध करते हैं और उसकी काफी रिक्वेस्ट करने पर कायली उन तीनों को नहीं मारती है। फिर यहाँ पर सभी डिसाइड करते हैं कि कायली उन तीनों के ऊपर नजर रखेगी। अब रात होने की वजह से बाकी सब एक रूम में सोने के लिए जाता है। फिर इधर हम देखते हैं कि थ्री फिंगर को वही ईयरपिन मिल जाता है, जिसकी वजह से वो तीनों 29 साल पहले आजाद हुआ था, और दोबारा वो उस पिन से सेल की लॉक खोल देता है, जिसके बाद ही वो बाहर आके कायली को पकड़ लेता है। फिर हम अगली सुबह देखते हैं, जहाँ पर किना कायली को देखने के लिए उसी सेल के पास जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे कायली नहीं दिखाई देती है और वो ये भी देखती है कि वो तीनों म्यूटेंट भी वहाँ पर नहीं है। अब इससे वो बहुत ही डर जाती है और आके सभी को बताती है, और तभी उनके दरवाजे पर कोई आता है, जिसे कि वो सभी म्यूटेंट समझकर उसके ऊपर चाकू से वार करके उसे मार डालता है। फिर जब वो उसका फेस देखती है तो वो और कोई नहीं बल्कि कायली था, और यहाँ पर उसकी जुबान उन म्यूटेंट ने काट दी थी। असलियत में ये तीन म्यूटेंट की एक चाल थी उन सभी को बाहर निकालने के लिए। फिर वो म्यूटेंट अपने अपने हथियार लेके उन सभी के पीछे पड़ जाता है और ये सभी भागते हुए एक जगह पर पहुंचती है, जहाँ पर कि उनका सामान रखा हुआ था। फिर वहाँ पर सभी अपने जैकेट पहन लेती है, लेकिन वहाँ से भागने के लिए सभी रास्ते बंद थे। वो लोग वहाँ पर एक कमजोर दीवार पे खुदाई करते हुए एक रास्ता बना लेता है, जिससे कि वो एक एक करके बाहर निकलती है, और तभी सौतुत उस रूम का दरवाजा तोड़ के अंदर आता है और जेना की पेट में चेनसॉ को घुसा के उसको मार डालता है। फिर वो तीनों स्नोबोर्ड लेकर बची हुई लड़कियों के पीछे पड़ जाता है। यहाँ पर वो एक लड़की के ऊपर स्नोबोर्ड उठा देता है और वहीं पर ही उसे मार डालता है। अब दूसरी तरफ हमें लॉरेन को दिखाया जाता है, जो कि ठंड की वजह से मर गई थी। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो सड़क से थोड़ी दूर में ही थी, लेकिन तूफान की वजह से वो उस रोड को देख नहीं पाती है। इधर हम सिरा और किना को देखते है, जो कि एक प्लान के मुताबिक वानाई को मार के उसकी स्नोबोर्ड लेकर बहुत दूर निकल आती है। लेकिन एक जगह पर उन म्यूटेंट ने एक ट्रैप बिछा के रखा था, जो कि वो दोनों नहीं देख पाते हैं, और वहाँ पर लगे एक चेन की वजह से उनका सर धड़ से अलग हो जाता है और उन दोनों की सर हम हवा में देख पाते हैं। फिर थ्री फिंगर आके उन दोनों के बॉडी को यहाँ से ले जाता है और यहाँ पर ये मूवी खत्म होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना।